हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम देखेंगे कि वैद्युत विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है या कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसमें हम दो पोजीशन पे देखेंगे, एक होता अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में और दूसरा होता है आपका निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव रखा है, यानी कि द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम पहले फोटो बनाते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आवेश माइनस क्यू है, ए बिंदु है। यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है, यहाँ पर बी बिंदु है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात को ध्यान रखना होता है कि इन दोनों के मीट यानी कि मध्य में एक बिंदु O है। ठीक है ना, और इस हम क्या करते हैं, इसके अक्षीय स्थिति में देखना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये बिंदु P है। और अब देखिए दूरी कैसे देखते हैं हम ना, इन दोनों के केंद्र पर जो बिंदु बी है, बिंदु ओ है, यहाँ से हम दूरी ले लेते हैं एक्स। देखिए डिराइव करने का ये तरीका होता है, ये लेंगे x। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच की दूरी 2a है और अगर ये मीड में है तो a से o की दूरी a होगी, o से b की दूरी भी a के बराबर होगी। होगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए लिखेंगे माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी, पी की दूरी यानी बिंदु पी की दूरी, बिंदु पी कितनी दूरी पर है तो हम लिखेंगे ए पी, और ए पी बराबर आपका आ जाएगा। अब देखिए ए पी को हम, देखिए ये एक्स लेना ज़रूरी है ना, तो हम लिखेंगे ए पी को ए ओ प्लस ओ पी, हमें ये लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ए ओ प्लस ओ पी, ये लिखेंगे। ए से ओ की दूरी स्मॉल ए के बराबर है, प्लस में O से P की दूरी x के बराबर है, तो a प्लस एक्स हो जाएगा, ये होगा ए पी। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी अब देखेंगे कि Q से P की दूरी कितनी है, तो हम कहेंगे प्लस Q आवेश से P की या बिंदु P की दूरी। अब देखिए अगर आप यहाँ से प्लस Q आवेश से इसकी दूरी देखते हैं तो ये है BP, किसके बराबर है, BP के बराबर है। और BP को आप देखो लोगे क्या, आप ना आपको x लेना ज़रूरी है ना, तो आप OP में से अगर OB घटा दोगे तो BP बचेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे OP यानी कि ये दूरी पूरी OP में से OB आप घटा दोगे। यहाँ पर अगर OP की बात की जाए तो O से P x के बराबर है, माइनस OB की बात करें तो OB A के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपकी है BP की वैल्यू। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अब मतलब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव या विभव। तो आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव किसके ऊपर, पी के ऊपर, अच्छा किसके कारण, तो ए के कारण, इज इक्वल्स टू, अब देखो फॉर्मूला होता है के, और हम जब भी विभव कैलकुलेट करेंगे तो आवेश अगर प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ का आवेश है माइनस क्यू बटे में ये दूरी है ए पी, तो लिखोगे ए पी इज इक्वल्स टू, अब देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो माइनस के क्यू लिख सकते हो, बटे में ए पी की बात करें तो ए पी की दूरी ए प्लस एक्स है, तो आप लिखोगे ए प्लस एक्स। बात समझ में आ रही है? इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, पहला समीकरण। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं कि अभी तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव देखें, अब इसके कारण देखेंगे, यानी कि हम कहेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव ये देखना है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत विभव किसके ऊपर, पी के ऊपर, किसके कारण, बी के कारण, इज इक्वल्स टू के, यहाँ का आवेश प्लस क्यू है तो प्लस क्यू बटे में, अब बी से पी की दूरी है बी पी, तो लिखेंगे बी पी इज इक्वल्स टू के क्यू, आप ये लिख सकते हैं, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी पी की दूरी जो है, बी पी की दूरी एक्स माइनस ए के बराबर है, तो अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे, इसको सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए हमको ये बताना है कि P पर कुल विभव कितना होगा, P पर यानी कि बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, ये अपने को चेक करना है ना। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि कुल वैद्युत विभव अच्छा किसके ऊपर, P के ऊपर, कुल वैद्युत विभव, अगर कुल वैद्युत विभव की बात करोगे तो आप लिखोगे V नेट इज इक्वल्स टू, अच्छा इसके कारण, इसके ऊपर इसके और इसके कारण, तो दोनों को ऐड कर दो, एक काम करते हैं इसमें इसको ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख सकते हो, अच्छा इसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कर सकते हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, तो लिखोगे वी पी बी, मतलब ये प्लस ये, यानी कि वी पी ए आप ये करोगे इज इक्वल्स टू वी नेट इज इक्वल्स टू वी पी बी की वैल्यू कितनी है, तो के क्यू बटे में एक्स माइनस ए, तो के क्यू बटे में एक्स माइनस ए प्लस में ये आपका माइनस के क्यू बटे में एक्स प्लस ए, ये है ना। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख लो, ये और अच्छा रहता, प्लस माइनस माइनस होगा तो आप लिखोगे के क्यू बटे में एक्स माइनस ए, फिर माइनस के क्यू बटे में एक्स प्लस ए, आप ये करोगे है ना, ये आपका आ जाएगा वी नेट, तो वी नेट की वैल्यू तो ये आ गई है। अब आगे की कहानी हम समझते हैं, देखिए हम इसको अब इरेज कर रहे हैं है ना, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, अब इसको ज़रा कैलकुलेट करें तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे है ना, इसको क्या करो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, उसके पहले हम क्या करते हैं इन दोनों को के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, दोनों से के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो आप लिखोगे वी नेट इज इक्वल्स टू के क्यू को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा वन अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि यहाँ से खींचोगे तो यही तो बचेगा ना, एक्स माइनस ए बीच में माइनस है, वन अपॉन यहाँ पर एक्स प्लस ए बचा है, तो लिखोगे x प्लस ए, ये आप लिखोगे इज इक्वल्स टू के क्यू, अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो x माइनस ए और यहाँ पर x प्लस ए ये आएगा है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो, इसके बाद क्या करो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो इसको यहाँ करोगे तो x प्लस ए है माइनस, इसको यहाँ करोगे ना तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, एक्स माइनस ए ये रखना पड़ेगा, इतनी बातें आप ध्यान रखा करो कि ये माइनस अगर है और ये है माइनस तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, माइनस हो या प्लस हो लेकिन अगर ये माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट आप लगाओगे है ना, इज इक्वल्स टू के क्यू अब ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, अच्छा माइनस इसके आगे प्लस है तो माइनस होगा एक्स माइनस माइनस प्लस ए बटे में ये x माइनस ए एक्स प्लस ए है तो आप लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप ये लिखेंगे है ना, देखिए x से x कैंसिल हो गया, x से x आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर अब हम हटाते हैं इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है ना, इसको वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लिया करना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है। अब यहाँ पर देखिए v नेट बराबर आप लिखेंगे, यहाँ पर के क्यू है तो के क्यू देखिए ये a प्लस ए कितना होगा तो लिखोगे 2a और बटे में आपका दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये दिख रहा है। अच्छा एक और चीज़ है, ये द्विध्रुव था है ना, द्विध्रुव था तो हम q इंटू 2a, ये q है और ये 2a है, इसको हम p के बराबर लिख सकते हैं, q इंटू 2a ये p के बराबर लिख सकते हैं,
तो वी नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा के पी बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा? के पी बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हम ये कहेंगे कि अगर एक द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर या अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव आएगा वो के पी बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है। इसको लिखोगे मेमो अराइज, तो क्या हो जाएगा? मेमो राइज। ठीक है, अच्छा ये हो गया। एक चीज़ और अपने को यहाँ पर करना है, हालांकि हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर जब भी इस तरीके के डेरिवेशन को देखते हैं तो हम यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर लिखते हैं। हम यहाँ पर ये चीज़ लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये दूरी यानी कि x की वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए, हम कहते हैं कि यदि x इज बहुत बड़ा किससे, a से, मतलब a के तुलना में अगर x बहुत बड़ा हो तो जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये और बड़ा हो जाएगा किसके तुलना में, a स्क्वायर के, तो a स्क्वायर ना बहुत छोटा होगा। अरे इन दोनों के बीच की दूरी ही बड़ी कम होती है, स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि तू तो एक काम करो, जीरो के बराबर लगभग हो जाओ, किसको, ए स्क्वायर को। अब जब ये जीरो के बराबर हो गया तो आप क्या करो, ये आपको याद करना था, हो गया है। आप लिखोगे वी नेट इज इक्वल्स टू के पी बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, जीरो, तो ये आ जाएगा के पी बटे में एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है वी नेट की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है, वी नेट की वैल्यू। तो अगर आपसे ऐसा पूछता है कि वैद्युत विभव बताइए अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में, तो इस तरीके से डेरिवेशन होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम आगे का जो अनुप्रस्थ यानी कि निरक्षय स्थिति है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप सभी लोगों को धन्यवाद।